कट करो सर, कट करो। भूत पिशाच निकट में आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट में आवे, महावीर जब नाम। क्या बात है सुमित, हनुमान चालीसा जप रहा है? हाँ सत्यम भाई, रात को मैंने इतना डरावना सपना देखा था ना, ये मुझे रात को नींद भी नहीं आई और मैं तब से भूत पिशाच निकट में आवे, महावीर जब नाम सुनावे, अभी तक जप रहा हूँ। तुझे भूत प्रेत से डर लगता है क्या? हाँ भाई बिल्कुल डर लगता है। किससे? भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल सबसे? सबसे भाई, सबसे डर लगता है। तो तुझे मॉडर्न भूतों से भी डर लगता होगा, जैसे ज़ॉम्बीज? हाँ ज़ॉम्बीज वही ना जो इंसानों को कच्चा खा जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए कौन से मंत्र का जाप करता है? ये जपते रहता हूँ, भूत पिशाच निकट में आवे, महावीर जब नाम सुनावे। चल तू भूत प्रेत से डरता है तो तुझे मैं आज ज़ॉम्बीज के बारे में एक ऐसी बात बताता हूँ जिससे तुझे डरना भी चाहिए, क्योंकि तू एक इन्वेस्टर है। तूने ज़ॉम्बी डेट के बारे में सुना है? भाई ज़ॉम्बी भूत के बारे में सुना है लेकिन ज़ॉम्बी डेट के बारे में नहीं। हाँ तो जब वो कोई ऐसा डेट जो कंपनीज को डराने लगता है उसे ज़ॉम्बी डेट बोलते हैं। अच्छा ऐसा? हाँ मतलब ये ज़ॉम्बी डेट बेसिकली ऐसे लोन होते हैं, ऐसे डेट होते हैं जो कई सालों बाद अचानक से आ जाते हैं और कंपनीज को डराने लगते हैं। सो बेसिकली ऐसा डेट जो ऑफ द रिकॉर्ड हो जाता है, NPA हो जाता है, जिसके बारे में कंपनीज ही भूल जाती हैं कि हमने ये डेट भी लिया था, और कई सालों बाद अचानक से इसका जिसने डेट दिया है वो आता है और कहता है मेरे पैसे लाओ। तो इससे कंपनीज जो है वो डर जाती हैं, तो इसको ज़ॉम्बी डेट बोलते हैं। तो सत्यम भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? मतलब देख, अगर किसी कंपनी के ऊपर ज़्यादा लोन है और उसका कैश फ्लो बहुत अच्छा नहीं है तो उसमें इन्वेस्ट करना तो वैसे ही लॉस होता है, लेकिन ज़ॉम्बी डेट के बारे में हमें पता नहीं होता, किसी इन्वेस्टर को यूजुअली पता नहीं होता, अचानक से जब ये न्यूज़ सामने आती है तब हमें पता चलता है। तो अगर ज़ॉम्बी डेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोन है जो पुराना है उन्हें भी नहीं पता, तो ऑब्वियसली ये उनके शेयर प्राइसेस को अफेक्ट करेगा। तो या तो उनके शेयर प्राइस थोड़े बहुत तो नीचे गिरेंगे ही, अगर डेट बड़ा है तो ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं। लेकिन सत्यम भाई अक्सर जैसे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं लेकिन उस कंपनी के बारे में पता नहीं चलता है कि वो कंपनी ज़ॉम्बी डेट हो चुका है। देखो मैं बता, नॉर्मल लोन के बारे में तो हमें पता चल जाता है, लेकिन जो ज़ॉम्बी डेट जैसे लोन है उनके बारे में पता नहीं चलता ऑब्वियसली, क्योंकि वो बुक्स में नहीं दिखते हैं या उनके बारे में कोई न्यूज़ यूजुअली नहीं आती है। तो जब उनका ओनर उन्हें लेने आता है या कुछ ऐसा क्लेम होता है तभी उसकी न्यूज़ बनती है, और अगर बड़ी कंपनी है तो उसकी न्यूज़ बनती है और मार्केट में आती है जिससे लोगों को पता चलता है। तो हाँ ये रिस्क तो है, क्योंकि ज़ॉम्बी डेट के बारे में तुझे तुरंत पता नहीं चलेगा तो तुम्हें हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा कि कभी भी कोई जगह आए, कुछ भी न्यूज़ आए तो तुम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास रहे। देख और इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें तुरंत मिलनी चाहिए, अपडेट तुरंत रखना पड़ेगा अपने आप को हर चीज़ के बारे में, और किसी भी बिजनेस से जुड़ी या शेयर मार्केट से जुड़ी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए खुद को अपडेट रखने के लिए बेस्ट जगह कौन सी है? जागरण बिजनेस।